भयंकर ठंडा है भाई, हालत खराब हो गई है। मानव सिर काट के उसका मध्यम भाग में उसका प्रतिमा बनाया। नहीं बताइए यहाँ को 32 मंदिर क्यों बोला जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई बहुत दिन बाद मेरे को लगा कि अब तो व्लॉग करना ही चाहिए भाई, क्योंकि आज 26 जनवरी है और मैं भी जा रहा हूँ अपने गांव। सारा गांव देखो रास्ते में हूँ, आओ गाड़ी खराब हो गई भाई। चलो बाकी मैं भी जा रहा हूँ अपने गांव सारा गांव, क्योंकि आज 26 जनवरी है और झंडा वंडा फहराएंगे। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आज जगदलपुर, तो मैं सोचा कहीं बाहर जा रहे हैं तो व्लॉग तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना जब से मैं छोड़ा हूँ व्लॉगिंग मेरे को रिग्रेट होता है कि भाई मैं क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम भी थोड़ा सॉलिड रीज़न था घर वालों का कि भाई अभी मत करो, बाद में कर लेना। बाकी अभी ऐसा हुआ रेगुलर व्लॉग करूँगा कि नहीं पता नहीं, बट अभी जा रहे हैं हम लोग सारा गाँव, उसके बाद हम लोग जाएंगे जगदलपुर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अभी बाकी आगे का डिस्क्रिप्शन कि कौन जा रहा है कैसे जा रहे हैं ये सब, मैं सारा गाँव पहुँच के एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाए ना, मतलब सब लोग क्या दो ही गाड़ी जा रही है, हमें बता दिया कोई दो गाड़ी जा रही है, वो सब मैं वहां जाके देता हूँ। भाई हम लोग पहुंच गए कांकेर जिला कांकेर, वाह हम लोग कांकेर पहुंच गए। बाकी अभी मैं सारा गांव से जब निकला तब तो वीडियो नहीं बनाया था कुछ, और ऐसा झंडा जो 2001 था उसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था, यहाँ पे डाल दूंगा कहीं पे देख लेना, मतलब ऐसा बनाया नहीं था पर्पसली, क्योंकि भूल जाता हूँ ना मैं भी, नया नया व्लॉगिंग में आया हूँ फिर से। तो बाकी अभी जैसा ट्रैफिक है जिला कांकेर के लिए, हम लोग कितना बज रहा है अभी 1:50, हम लोग 12 बजे करीबन निकले थे घर से, क्यों बताओ बताओ टाइमिंग बताओ। हाँ नाइस, मैं ये और एक मेरी बहन पीछे सो रही है, वो हम तीन एक गाड़ी में मेरी वाली, बाकी जितने भी मेरी मम्मी इसकी मम्मी इसके पापा इसके मम्मी उसके पापा सब लोग किस में। नाइस वन, कौन से कलर की गाड़ी है पता जल्दी। नाइस, बाकी अपन अब इसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, शेर भालू देखने का चांस है, तो इसलिए हम लोग तीन बच्चे आ गए हैं कि शेर भालू दिखा तुरंत दबा देंगे, मतलब खा देंगे क्या खा देंगे, मतलब नहीं खाएंगे नहीं, तो उसको देख के पीछे डिक्की भर लेंगे ताकि हम लोग का एंटरटेनमेंट बना रहे, क्योंकि गाना नहीं चल रहा है ना, तो अब मेरे को याद आ गया व्लॉग करने का। बाकी आप आगे देखते रहो, हम लोग आगे दिखाते रहेंगे। बाकी मेरे साथ में टूर गाइड मौली भी है, वो पहले ही जा चुकी है यहाँ इस रास्ते से, वो उसको याद आते रहता है बीच बीच में ये रास्ता है ना। हाँ बोल दे। बस अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, बाकी धीरे धीरे जाएंगे 80-90, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर मिला 80-90 ऊपर नहीं चलाना है, नहीं तो हम लोग 140-150 का सोच रहे थे। हम लोग माकड़ी ढाबा में खाना तो खा लिया, कहाँ खाए हम लोग मौली खाना जल्दी बता। माकड़ी ढाबा, यस। अब उसके बाद हम लोग यहाँ फंस गए, हम लोग माकड़ी ढाबा में खाना खा रहे थे, बनाए नहीं व्लॉग क्योंकि मैं व्यूअर वालों को बता नहीं रहा था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि उन लोग बोल दिए खुद से कि अब व्लॉग बना, तो अब मैं बना रहा हूँ फिर से। बाकी पीछे जस्ट जो गाड़ी दिख रही है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्लू ये व्हाइट कलर की गाड़ी दिख रही है ना, वो इसकी है। बाकी अपन ये पहाड़ टूटते हुए रास्ते से जा रहे हैं, बहुत ख़राब है रास्ता, लेकिन वी आर ट्राइंग। थोड़ी देर बाद मौली भी गाड़ी चलाना चाहेगी, क्यों मौली बताओ। सब दोनों को गाड़ी चलाना है, लेकिन हम लोग को क्या है वापस भी जाना है, बहुत सारे काम है हम लोग को रायपुर में, इसका एग्जाम है, एक एग्जाम छोड़ के आई है बेचारी, तो 8वीं कक्षा में है बेचारी, एग्जाम छोड़ दी 8वीं कक्षा का। भाई हम लोग घाटी में पहुंच तो गए हैं, यहाँ पे मैं 6 सेकंड का टाइमलेस बना पाया, अब इसका जिम्मेदारी है थोड़ा सा फोन पकड़ के बैठेगी जिससे हम। हाँ तो भाई तो फोन नहीं पकड़ के बैठे ऐसे नहीं, अभी नहीं मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी, तो अभी हम लोग घाटी पहुंच गए, पीछे वाली गाड़ी तो बहुत दूर है भाई, हम लोग 40 में चलाते हैं फिर वो आते हैं, फिर हम लोग 80 में जैसे चलाते हैं फिर उन लोग गायब हो जाते हैं, तो हम लोग अब केयर करना छोड़ दिया उस गाड़ी का, तो अब हम लोग अकेले आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लोन हो रहा है टाइप का। शेर देखना है तो देख ही रहे हो तुम लोग, तो शेर इन लोग को दिख गया है, आप लोग को भी दिख गया है शेर। शेर अब मोड़ का मांग तू आ गया भैया, अब अपन गाड़ी चलाते हैं, ये टाइमलेस बनाएगी, चलो बाय। बाकी अभी मोड़ वोड़ के चक्कर में मतलब वो आगे हो गए, हम लोग व्लॉग बना रहे थे ना उसी टाइम वो वाली गाड़ी आगे हो गई है, तो वो गाड़ी आगे और हम पीछे पीछे इन घाटियों का, मतलब ये देखो घाटियाँ, इन घाटियों का लुफ्त उठाते हुए जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ट्रक वक लोग को जाने दे रहे हैं पहले, क्योंकि तो ट्रक के नीचे आ गए तो क्या हो जाएगा मौली बता दो। आप
व्लॉग का नहीं, हमारे लाइफ का दी एंड हो जाएगा दोस्तों। एक और मूड आ गया, ये तो छोटा है यार, बड़े बड़े मूड तो उसमें आए होंगे टाइम लैप्स में, बाकी तो छोटा सा मोड़ है। ओहो, अपन धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं ऊपर केशकाल घाटी। इसका नाम क्या बता बोली? केशकाल। अरे केशकाल तो 4 किलोमीटर दूर है यार, अब ये पता नहीं कौन सा घाटी है या फिर यही होगा केशकाल घाटी। मंदिर आ गए अपन, घाटी देखो, वो देखो नीचे नीचे आ रहा है उधर से। ये अब मेरे को मालूम चल गया केशकाल घाटी है, बाकी अपना जनता आगे जा रही है बाकी सब लोग। बाकी पर्सनल इंट्रोडक्शन अगर टाइम मतलब अगर वो व्लॉग में आए अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाए तो जरूर दूंगा। बाकी तो अभी जा रहे हैं बाकी लोग सब मजाक मस्ती करते हुए। इधर नीचे घाटी है और ये कोई सा मंदिर है जहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। वो अपनी दो गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे, चलो अभी दर्शन कर लेते हैं। बाकी दोस्तों मेरा नया व्लॉग कैसा लग रहा है जज मत करना मेरे को, लेकिन आई लाइक दिस वन क्योंकि ये डिस्काउंट में था ये कलर। बाकी कलर 4000 का था, ये 2000 का था, तो अपने यही ले लिए। कलर से क्या करना है, क्रॉक से काम है, अपने को कहीं भी चले जाएँ। चलो मंदिर, भाई मंदिर की छोटी सी चला, सब लोग माथा टेक लो अपना। तो भाई मंदिर के दर्शन क्या लेना है, क्या चलना है? ये तेरा व्लॉग में ही, व्लॉग में लेना लेना ये हमारी आंटी। हाँ ठीक है, बाकी नहीं वो उनका थोड़ा उम्र हो गया, ये हमारे भाई हैं, ये है हमारे थोड़े से, ये हम ये और मेरा इनका एज का है 2-3 साल का ही अंतर है। बाकी लोग तो बूढ़े हो गए हैं थोड़े से। हाँ बाकी ये छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ, अब बीच के हम लोग हैं। बाकी बस अब ये मंदिर से दर्शन हो गया, देख ले लिए हैं थोड़ा सा, लेकिन वहाँ देखो पीछे में दिख रहे हैं, दिखेगा हाँ इधर दिख रहा है ना, सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं वो वाली गाड़ी वाले। बाकी हमारी गाड़ी वाले सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सो रहे हैं बढ़िया कंबल वम्बल डाल के, और मैं तो गाड़ी चला ही रहा हूँ। बाकी देखो अंकल फोटो खींच रहे हैं इधर रास्ते में। अपन आज मतलब पहले प्लान था दंतेश्वरी माता मंदिर मतलब दंतेवाड़ा जाने का, लेकिन टाइम हम लोग निकले 12 बजे घर से, 11-12 बजे निकले तो कहाँ से ही पहुँच पाते। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे जगदलपुर, जगदलपुर से कल घूमेंगे दिन भर, परसों घूमेंगे और शाम को वापस। गुड मॉर्निंग भाई, कल तो अपन क्या लास्ट क्या व्लॉग किया था मेरे को याद ही नहीं, क्योंकि कल अपन थोड़ा सा वो हो गए थे कन्फ्यूज। ये जो फॉरेस्ट विभाग है ना, ये उसका हॉस्टल है, उसमें हम लोग को स्टे के लिए मिल गया था। बाकी अपन ऐसा रुके थे रात में, देखो ये एम्बेसडर दिख रही है उधर से हैं हम लोग, पूरा अंधेरा था, एम्बेसडर बस दिख रही थी। तो मेरे को कंचना मूवी याद, ऐसी टाइप का कुछ मूवी याद आ गया था, हालत ख़राब हो गई थी भाई। टीवी अपडेट है हमारी ट्रिप में, पहले मैं बोला था पहले हम लोग कुटुम सर गुफा जाएंगे, लेकिन नाश्ता करने के बाद मौलिक मन किया कि अब नहा लेती हूँ, 2 दिन से नहाई नहीं हूँ है ना। तो हम लोग पहले अब जा रहे हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल, अब रास्ता तो अपन धीरे धीरे देख ही लेंगे। बाकी अभी हम लोग कुटुम सर गुफा ना जाके पहले जा रहे हैं अब तीरथगढ़ वाटरफॉल। बाकी थोड़ा वो टाइम लैप्स बनाने का कोशिश तो किए अपन, कैसा रहता है कोशिश तो बाद में देखेंगे। देखो जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात लिखा है, कांकेर घाटी, बहुत ख़राब रास्ता यार, क्यों मौली इसको बनवाना चाहिए कि नहीं बताइए आपका ओपिनियन। गुजारिश है हम वोट क्यों दे रहे हैं, मौली बेचारी वोट क्यों दी है, क्योंकि हमको वो बनवाना है। बाकी तो अब गाड़ी चलाते हैं धीरे धीरे इस ख़राब रास्ते में, फिर आपको दिखाएंगे अब जलप्रपात। वैसे तो बहुत लोगों ने दिखा दिया है, लेकिन तुम्हारा भाई दिखाएगा तो अलग ही दिखाएगा कुछ, है ना मौली? कुछ अलग ही जलवा रहेगा इस ब्लॉग में, सरलू भाई टाइप का। कुटुमसर गुफा सब इधर ही है भाई, तो अपन पहले चलते हैं पहुँचते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल्स में। एक तो मेरा फ़ोन इधर उधर हो रहा है बार बार, कोई बात नहीं भाई, हम लोग राइडर भी तो हैं, पैदा ही राइडर हुए थे, एक हाथ से ही पूरा घाटी वाटी सब में चला दिए ब्लॉग बनाते बनाते। कैसे मौली, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये मेरी चीयर लीडर है मौली ना, मेरे को जब भी मेरे को कुछ वैलिडेशन चाहिए तो मौली हाँ बोल देती है ना मौली, देखा बिल्कुल हाँ। भाई अपन पहुँच गए ये कटिंग में, तो अपन परिवार वालों का इंतजार कर रहे हैं, बाकी अपन भगाते हुए आ गए थे आगे। ये इधर से देखो कहाँ गए तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए इधर जाना है, कुटुमसर गुफा के लिए लेफ्ट जाना है, उधर जाना है, तो अपन यहाँ पे रुक गए हैं बाकी वाले लोगों के लिए। बाकी देखो गाड़ी इतनी गंदी, और बाकी ये तीरथगढ़ जलप्रपात नाइस वंस, इधर से ही कट जाना भाई, जो भी है ना मेरा नाम ले देना यहाँ पे, कोई भी लड़का बैठा होगा तो पहचान जाएगा। और ये तीरथगढ़ पहुँच मार्क लंबाई 6.2 है कि 6.20 है पता नहीं, लेकिन जो भी है 6.20 तो है। बाकी अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी उधर से आ रही है, वो देखो दे नाइस वंस, हम लोग रुके हुए हैं। ओहो
वो देखो वो गाड़ी आ गई अपनी, अब चलते हैं अपन गाड़ी में बैठ। हम लोग के लिए तो ये अंदर वाला खुल गया, बाकी लोगों के लिए बाहर पार्किंग है, अपन लिए ये खुल गया। चलो भाई ले चलते हैं, पहले नाटक कम करते हैं, व्लॉगिंग बाद में। अंकल ये अंकल की वजह से सब पॉसिबल हो पाया है। बस नाइस वंस भाई, अंदर अब अपन गाड़ी ले चलेंगे, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया। चलो सब मौली की वजह से, ये सब सिर्फ एक ही चीज, यही सब मौली की वजह से ही है। अंकल का तो फर्जी मैं वो दे रहा था, क्या बोलते हैं क्रेडिट, लेकिन सब मौली की वजह से। हम लोग जो आ पाए हैं यहाँ वो भी उसी की वजह से है। वो जो एग्ज़ाम छोड़ी है ना, त्याग दी इतना बड़ा, वो है। चलो अब अंदर लेके चलते हैं गाड़ी, बिल्कुल जो है एकदम एकदम ही वीआईपी वाला दिलवा दिया। अरे थैंक यू, अरे थैंक यू, अरे अरे एकदम वीआईपी वाला गेस्ट था। बाकी अपन को यहाँ पे रूम तो मिल गया है, मतलब रूम क्या, अपन यहाँ पे ना खाना वाना खा के निकल जाएंगे, खाना यहाँ से बनवाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम करेंगे, मतलब नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अब उसके बाद अपन को जाना है कुटुम्बसर के, उसके बाद जाना है दंतेवाड़ा, फिर दंतेवाड़ा में भी एक ऐसी रेस्ट हाउस में रुकवा देंगे अंकल। भयंकर मस्त हो गया अपना तो भाई। अपन पहुँच तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ नहाना वाना है। मम्मी लोग पहले आ गए थे, अपन लोग थोड़ा बैठे हुए थे वहाँ पे। देखो नाइस वन तीरथगढ़ वाटरफॉल, ये अपने अंकल खड़े। क्या हो गया अंकल, हम लोग नहा क्यों नहीं पा रहे हैं? यहाँ जगह नहीं है यार। अच्छा, वहाँ नीचे की साइड है, यहाँ ज्यादा तो नहाने के लिए उधर उधर मम्मी लोग खड़े हैं और ये बंदर है। हरियाली काफी है। अच्छा चलिए चलिए आइए, ये भाई है हमारे, अंकल नहीं है इसलिए ये सब ऐसा बात कर सकते हैं, बाकी बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। बाकी उधर क्वेश्चन वॉशन सब लिखा हुआ है, इधर नहा नहीं सकते भाई। स्टीप नीचे जाना है अपन को नहाने के लिए। हम तीनों ही जो है, मैं अंकल और अंकल, मतलब भैया मेरे, ओहो भैया मेरे भैया जो है वो नहीं नहाए हैं, हम तीन लोग नहीं नहाए हैं, तो हम तीन ऐसा स्टीप नीचे जा रहे हैं। अब स्टीप ऊपर भी आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है वहाँ पे जाके नहाएंगे कहीं पे। चलते हैं अपन इधर अंदर। देखो मैं अंकल, मैं अंकल ठंडा है भाई, हालत खराब हो गई है। इधर अंकल जा रहे हैं, फोटो खींच लेते हैं भाई थोड़ा सा। मेरी तो हालत खराब है भाई, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। हाँ अंकल कैसा लग रहा है। इधर हम लोग तो बहुत मस्ती कर लिए। मौली इधर आई है, अभी नया नहीं हुआ है वो। उधर देखो आंटी लोग को सबको लाया जा रहा है, उधर दिख रहा है आपको। बाकी अपन आप उधर धीरे धीरे, देखो ये पानी में क्रॉक्स पहन लिया है, क्रॉक बॉय। बाकी अब ऐसे धीरे धीरे चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे नहाएंगे। क्या मजा आता है भाई, तीरथगढ़ आओ तो नहा के जरूर जाना, बिना नहाए मत जाना। क्यों मौली, सब लोग इधर ही आ गए। देखो मौली भी इधर, सब लोग आंटी अंकल सब इधर ही आ गए। रुक जाओ, देखो सारे इधर ही आ गए, सबकी हाइट छोटी है, सबको हाथ पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन भाई तुम्हारा है ना हाथ पकड़ सकते, तीन लोग हैं, चार लोगों को आसानी से पकड़ लेंगे, और ज्यादा गहरा भी नहीं है। इधर तो अपने साथ गेम हो गया, हम लोग नहा धो के यहाँ पे आए। इधर कुटुम्बसर गुफा बंद हो गया, क्लोज 3 बजे बंद हो जाता है भाई। तो जो भी अपना जान पहचान के लोग आ रहे हैं देख के आना, कि 3 बजे बंद हो जाएगा कुटुम्बसर गुफा। सैड हो गया भाई, गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ जुगाड़ देख रहे हैं कि कुछ हो जाए तो चले जाएँ, बाकी तो अब याद सीधा दंतेवाड़ा जाना पड़ेगा। इसका शूट कर लेते हैं ना अपन, मैं अंदर आने का टाइम भूल गया था शूट करना, बाकी ये शूट कर लेते हैं। दंतेश्वरी माता की जय। जो हो गए भाई हमारे दर्शन बढ़िया से, मम्मी के भी दर्शन हो गए, सबके दुनिया के मतलब सबके हो गए जितने लोग लाइन में लगे थे, बाकी सब दर्शन वर्शन करके अब इधर से निकलते हैं अपन। अपन जाएंगे अब रेस्ट हाउस, पहले अपन थोड़ा सा इधर का दिखा देते हैं कुछ।
भाई ये तो नेक्स्ट डे हो गया, तो नेक्स्ट गुड मॉर्निंग हो गया। दो तीन बार गुड मॉर्निंग बोल दिया शायद इस मतलब इस व्लॉग में। बाकी अपन इधर अभी हम लोग बारसूर में रुके थे, स्टे था वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही था कुछ, तो उसी में रुके हुए थे। रात को मैं कुछ रीजन से मैं दिमाग ख़राब था तो मैं व्लॉग ही नहीं किया। बाकी अपना गणेश मंदिर यहाँ के आ गए हैं, बारसूर का भयंकर नक्सली इलाका है बोलते हैं अंकल, लेकिन ठीक है अपन आ गए यहाँ पे। बाकी अभी उधर चलते हैं, अंकल लोग सब उधर खड़े हुए हैं अपने इंतज़ार कर रहे हैं, गणेश मंदिर है यहाँ पे, वहीं पे चलते हैं अंदर। अब पहले देखो जी भाई, ये है भाई गणेश जी, ये मूर्ति है, दिखाता हूँ चलो ऐसे करके, बढ़िया थोड़ा धीरे बोलता हूँ क्योंकि पब्लिक प्लेस में थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। ये है मूर्ति, नाइस वंस। तालाब उतना ही है लेकिन वो समय अलग अलग है, चाहे मार दिन चाहे मार रात में बनता था, उसके बाद अधूरा रहने छोड़ देते थे। कहानी सुन लो भाई पूरा जी। अंकल आप भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये पुरानी मंदिर है, ऐतिहासिक चीजों से मुझे इतना लगाव है कि मैं बता नहीं सकता, मैं यहाँ महीनों बिता सकता हूँ। खाना दोनों टाइम मिलना चाहिए, तीन टाइम भी नाश्ते रात को। हाँ तो ऐतिहासिक चीजों से मुझे बड़ा ही लगाव है, देखता हूँ तो मुझे उस समय को जीने की ललक मेरे मन में जाग उठती है कि काश मैं उस समय होता तो इन सारी चीजों को अपनी आंख से देख पाता। तो ऐसे नेचुरल तरीके से फील करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हमारा ये इमोशनल स्टोरी था अंकल का, इसीलिए हम लोग भी बार बार आते रहते हैं घूमने। ये बाकी शिव जी का मंदिर है, प्रणाम कर लो सब लोग। क्यों माली यहाँ ये नंदी जी होने चाहिए थे? नहीं मतलब यहाँ अगर करेक्ट नंदी जी का स्थान है, ये शायद नंदी जी का स्थान है अगर यहाँ शिव जी है तो। हो गया जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते थे हम लोग दे चुके हैं, बाकी खुद आए एक्सपीरियंस करें जी। बारसूर और नक्सली एरिया है ये, थोड़ा सा डर के आइए मतलब बच के आइए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ तो वीआईपी लोग हैं, पूरा प्रोटोकॉल चलता है, आप लोग के साथ क्या होगा हमको क्या पता। जस्ट ये भी इन्फॉर्मेशन मिली भाई, उधर लक्ष्मी माता का मंदिर था, यहाँ पे नंदी जी थे जिसको संग्रहालय में जमा कर दिया गया है, और वहाँ भी एक मंदिर था जो सब गायब हो गया है। बाकी शिव जी के हैं मंदिर, बाकी तो यहाँ पे नंदी जी थे जो संग्रहालय में जमा हो चुके हैं, और ये यहाँ पे लक्ष्मी जी थी वो नहीं मिल रही हैं, मतलब गायब हो गई बोलता है वो। बाकी तो और कुछ अपडेट और कुछ अपडेट मिलता है तो मैं बताता हूँ। 147 तालाब का निर्माण हुआ था तो नागवंशी राजा बारासुर के 12 भाई हम 12 किलाए थे, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा बारसूर। वो विष्णु भगवान की मंदिर थी, बारासुर राजा शिव भक्त था, वो बोला कि इस मंदिर का निर्माण मैं नहीं करूंगा, बोला तो करेंगे कौन? राजा का माँ का भाई मामा और बहन का लड़का भांजा को बोला तुम दोनों इस मंदिर का निर्माण 6 माह दिन 6 माह रात के अंदर करोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास में रहेगी या तो पूजा पाएंगे, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, बोला बारासुर। तो बनाते बनाते मामा मंदिर का निर्माण कर लेता है, भांजा नहीं कर पाता है। भांजा सोचता है कि मैं तो मंदिर का निर्माण नहीं कर पाया, अब मेरा सिर कटेगा। ऐसा सोच कर वो पहले जाके बारासुर के पास झूठा इल्जाम लगा लेता है, मंदिर का निर्माण मैं कर लिया मामा नहीं कर पाया। फिर बाद में मामा सिर काट के उसका मध्यम भाग में उसका प्रतिमा बनाया गया, इसलिए उस मंदिर का नाम मामा भांजा पड़ा, और वो सिर कटने के कारण से सगे वाले मामा और भांजा एक साथ अंदर में दर्शन नहीं करते। गरी मस्त स्टोरी था भाई भैया, थैंक यू। मामा भांजा वाला स्टोरी सुन लिए ना सब, बाकी मामा देख रहे हो तो देख लो, मेरे साथ नहीं आ सकते आप यहाँ पे, मामा लोग को फंसा देते हैं भांजे लोग, तो बी केयरफुल अगर मेरे साथ यहाँ आओगे तो। देख दूसरे मंदिर आ गए, इसको 32 मंदिर बोलते हैं, बाकी आगे का कहानी एक्सप्लेन करेंगे अंकल, थोड़ा सा पूजा पाठ में है अभी बीजी, अभी लेके चलता हूँ उनके पास। अंकल जी भाई थोड़ा एक मिनट पूजा कर रहे हैं फिर बताएंगे हम आपको। आइए यहाँ का कहानी बताइए, यहाँ का 32 मंदिर क्यों बोला जाता है? राजाओं ने मंदिर का निर्माण किया था, इस मंदिर का नाम 32 मंदिर है क्योंकि इसमें 32 पिलर हैं, गुंबद हैं। हाँ ये पिलर, इन पिलरों की वजह से इस मंदिर का नाम 32 मंदिर है, जिसमें 2 शिव जी के मूर्ति हैं, उन्हीं के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। जहाँ बारसूर, हाँ ये बारसूर है, दूर दूर से बारसूर आते हैं, बारसूर आते हैं। कहानी अच्छा है। हम लोग तो अकेले, हम तीन, जैसे हमारी तीन तिगड़ी थी, हम इस गाड़ी में थे, अचानक से गाड़ी रोकवा के अंकल आ गए। रीजन पूछा गया तो अब अंकल आप एक्सप्लेन कीजिए रीजन। ये बेहद ही सेंसिटिव एरिया है, इसे घोर नक्सली एरिया कहा जाता है। पता नहीं कब नक्सलाइट कहाँ से आ जाए, रोक ले रास्ता,
जाम कर दे और इतना हैंडसम लड़का बैठा है तो कुछ ना कुछ तो होना है ना? बात सही है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस। अब इतना हैंडसम लड़का एक और आ गया तो मेरे को लॉजिक तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हथियार बंद कमान होना जरूरी है गाड़ी में, दस मरे लोगों के बराबर हो। यहाँ के लोग कुपोषित रहते हैं समझ लीजिए, खाली गोली चलाने में माहिर हैं, बाकी पोषण नाम की चीज नहीं है। मिड डे मील में इनको खाना मिलता है बस। तो फिर हम लोग तो ये डोला सोला, अरे सोले का डोला है बात बस, इसीलिए अंकल हमारी गाड़ी में आ गया। नाइस भाई पहुंच गए चित्रकूट रोड पर, उधर दिख रहा है ना अपन। इसका यहाँ का कोई कहानी याद है अंकल आपको? ये नेचुरल वाटरफॉल है, इसकी कोई कहानी नहीं है। पानी इकट्ठा होके सारे छोटे छोटे नालों का पानी इकट्ठा होके यहाँ आता है। बहुत शानदार, बहुत नायगरा वाटरफॉल है। छत्तीसगढ़ का नायगरा कि इंडिया का नायगरा? ना छत्तीसगढ़ का नायगरा। नायगरा ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का नायगरा फॉल्स है, तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब फेमस तो है, सब जानते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। बाकी अपन अभी आगे चलते हैं, ऐसे घूम के वहाँ से पे दिखाते हैं आपको बाकी का सिस्टम। बाकी अभी आइसक्रीम खा रहे हैं अंकल अकेले। ए डूड, हाँ क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम कुल्फी। कुल्फी का चुस्की? हाँ चुस्की जी हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। बढ़िया ही एक नंबर लगता है ऐसे देखने में तो। देखो नाइस वहाँ से, वहाँ पे रेनबो भी बन रहा है, यहाँ पे देख रेनबो। बाकी ये अपना वो है, क्या बोलते हैं, बोटिंग वगैरह सब हो रहा है। बाकी सब परिवार वाले लोग आगे आगे चले गए हैं, अपन पीछे पीछे हैं। इधर से ऐसे झुक के जाते हैं। चलो लास्ट क्लिप के बाद मैं कुछ व्लॉग ही नहीं किया क्योंकि मेरे को जल्दी घर आना था और कुछ कुछ दिमाग में चल भी रहा था, तो मैं एकदम और व्लॉग भी मैं कितने दिनों बाद कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। क्योंकि इतने दिन बाद व्लॉग करूँ ना तो दिमाग से भी उतरते रहता है कि कहाँ क्या व्लॉग करना है, क्या बताना है। इसकी वजह से बहुत सारे कट भी थे व्लॉग में, मतलब एकदम ही अचानक से तीरथगढ़ में, फिर अचानक से मैं कुटुमसर पहुँचने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था बीच बीच में, और एडिटिंग भी उतनी अच्छी हुई नहीं है, तो सबके लिए सॉरी। बाकी यहाँ तक व्लॉग देख लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।